Hello friends, welcome back to my channel. In this video, I am going to discuss Theosophical Society. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एनी बेसेंट इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी. एनी बेसेंट का बर्थ 1847 में हुआ था लंदन में. तो चलिए जानते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में. थियोसोफिकल सोसाइटी एक सोसाइटी थी जो कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थी. इस सोसाइटी को मैडम एच पी ब्लावास्ट स्काई एंड कॉलोनल एच एस ऑलकॉट ने यूएसए में फाउंड किया था. बट बाद में ये सोसाइटी इंडिया में भी फाउंड की गई थी चेन्नई में 1882 में. आफ्टर डैट 1893 में एक आयरिश लेडी, आयरिश उसे कहा जाता है जो आयरलैंड का होता है, जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियंस कहा जाता है, तो यही आयरिश लेडी एनी बेसेंट इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी थी. तो गाइस अब एनी बेसेंट के बारे में हमें जानना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक आयरिश लेडी थी. उनका अर्ली नेम एनी वुड था और इनके फादर का नेम विलियम वुड और मदर का नेम इमाइल था. जब ये सिर्फ 5 साल की थी तो इनके फादर की डेथ हो गई थी. इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन डुबलिन से और हायर एजुकेशन हर्रो से गेन की थी. 1887 में इनकी शादी फ्रेंच बेसेंट जो कि एक प्रीस्ट थे जिनसे उनकी शादी हुई. लेकिन इस कपिल के रिलीजन को लेकर बहुत ही अलग व्यूज़ थे, इसी वजह से ये दोनों सेपरेट हो गए. एनी बेसेंट ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया था. उन्हें इंडिया के कल्चर से बहुत ही ज़्यादा प्यार था. इन्होंने गीता को भी ट्रांसलेट किया था और साथ ही इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया था. उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट सेंट्रल हिंदू स्कूल था जिसे इन्होंने बनारस में बनवाया था. एनी बेसेंट की डेथ 1933 में हो गई थी. तो गाइस अब आते हैं इस सोसाइटी के मेन प्रिंसिपल्स पर जिस पर ये सोसाइटी बेस्ड थी. फर्स्ट प्रिंसिपल था कि हमें सोल और गॉड पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव रखना चाहिए. सेकंड प्रिंसिपल था नेचर वर्शिप एंड स्टैचू वर्शिप साइंटिफिक रीज़न पर बेस्ड हैं. और थर्ड प्रिंसिपल था सोल गॉड की ही पार्ट होती है. फोर्थ प्रिंसिपल था हमें कास्ट, कलर, क्रीड इन सब के बेसिस पर भेदभाव नहीं करना चाहिए. फिफ्थ प्रिंसिपल था हमें यूनिटी रखनी चाहिए और यूनिवर्सल ब्रदरहुड को अपनाना चाहिए. तो गाइस एनी बेसेंट एक बहुत ही अच्छी थियोसोफिस्ट, एजुकेटर एंड इंडिया की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी. इन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल रिलीजियस फील्ड पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया था और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए. तो गाइज़ ये थी थियोसोफिकल सोसाइटी एंड इसके प्रिंसिपल्स. आई होप आपको ये वीडियो का हर टॉपिक क्लियरली समझ आ गया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. थैंक यू.